22 में क्या किसे आप चुनौती मानते हैं? सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है, बोल रहे हैं 22 में बाइसिकल का नारा लेके वो अभी आजकल जा रहे हैं लोगों के बीच में। प्रियंका गांधी, महापंचायतें हो रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, तो सब लोग चुनावी मैदान में, लेकिन मुकाबला किस से? देखिए 2014, 2017, फिर 2019, ये तीन चुनाव तो बड़े चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे। इसमें जनता ने अपना फैसला सुना दिया। रही सही कसर थी जिसको मीडिया ने लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसको कहा था ये सेमीफाइनल है। हमने कहा भी उपचुनाव है, विपक्ष ने कहा कि नहीं ये सेमीफाइनल है, हमने कहा चलो सेमीफाइनल ही मान लो। सेमीफाइनल में भी लोग देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 सीट जीत करके एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से आने जा रही है। कोई संदेश में होना नहीं चाहिए, हम लोग उसी की यानी आप इस मंच से कह रहे हैं कि 350 का आपका टारगेट है? हाँ मैं कह रहा हूँ ना जी, मैं आपके मंच पे ही बोल रहा हूँ, कहीं और जगह नहीं बोल रहा हूँ जी, और फिर मैं बोलने के लिए आऊंगा जी। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अभी वो 350 सीट जीत करके फिर आकर इसी मंच पे कहेंगे कि हमने जो कहा था ठीक कहा था ना, वही बोलेंगे। आखिर में एक सवाल आपसे कि 4 साल का जो कार्यकाल रहा, आप मुख्यमंत्री आप बने, योगी कर्मयोगी फाइनेंस मास्टर, अब इस तरह की बात भी हो रही है, तो ये जो यात्रा रही है 4 साल की, क्योंकि आपके राजनीतिक जीवन से या आध्यात्मिक जीवन से एक अलग तरह की यात्रा थी, आप पूरे प्रदेश को आप देख रहे हैं और पूरा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा था, तो ये 4 साल कैसे बीते? एक अलग अंदाज में मैं चाहूंगा आप जरूर अपने मन की बात जरूर कहें, क्योंकि मन की बात देखिए हम लोगों ने हमारे लिए कठिन कुछ भी इसलिए नहीं था क्योंकि इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के अंदर एक बहुत यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ में है। पग पग पर और हर एक स्तर पर उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज अगर हम हर एक फील्ड में सफल हुए हैं, किसी एक उसको आप लें, केवल कोविड ही नहीं, इससे पहले हमने कुंभ के आयोजन को भी एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हर घटना अपने अपने एक यूनिक इवेंट बनती है, आप देखते होंगे किसी भी कार्यक्रम को। तो हम सफल इसलिए हुए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस प्रकार के लक्ष्य और उस प्रकार की कार्ययोजना और उस प्रकार का उनका गाइडेंस हम लोगों को समय समय में मिलता है। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं और हम लोग इसीलिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए सफलता की उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं जहां पर देश को और दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ये संभावनाएं थी, हमने ये अचीव किया, अगली बार हम इतना कर लेंगे। और इसी बल पर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश आप सफलता का एक मॉडल बन रहा है, हर एक फील्ड में बन रहा है और यह एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नया भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक नए भारत की तस्वीर है। तो उस नए भारत का ही नया उत्तर प्रदेश है जिसको आप इस रूप में देख रहे हैं, जहां 2 लाख करोड़ का वार्षिक बजट हुआ करता था, जो 5.5 लाख तक पहुंच गया है जी, और आने वाले समय में आप देखना और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभरेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।